आज हमारे पास में बहुत पावरफुल कंटेंट है जिसमें हम लोग कंट्रीज का आईक्यू मेजर करने वाले हैं। उसके अलावा बहुत सारी रिसर्च रिसर्च के साथ में मैं आपके सामने कंटेंट को रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। ये मैं आउटव्यू आपको दे देता हूँ। हम लोग हमारे दिमाग का 5% इस्तेमाल करते हैं या 10% इस्तेमाल करते हैं, बट सच ये नहीं है। सच ये है कि हम हमारे ब्रेन का 100% यूज करते हैं। माइंड का हम 5% यूज करते हैं। जो भी दुनिया में एक्सीलेंट है, जो भी ऐसा है कि यार ये तो ईश्वरी कृपा है, उनका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो रहा है। और मैं इसी की बात आज करने वाला हूँ। दुनिया में रहना है तो काम कर जाए, आज जो सबको सलाम कर जाए। वर्कर माइंडसेट कि मुझे जिंदगी में अपना खर्चा निकालना है, जिंदा रहना है, गोवा की एक ट्रिप करनी है और मर जाना है, ये नहीं करेंगे ये लोग। बिग मिशंस होते हैं, बिग मिशंस जिनका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेटेड है, बिग मिशंस। और डे ड्रीमिंग का मतलब ये होता है कि आपको यूवी देख के आए तो आपको शाहरुख खान बनना है, चेन्नई एक्सप्रेस देख लिया तो शाहरुख खान बनना है, हेलीकॉप्टर शॉट देख लिया तो धोनी बनना है, कवर ड्राइव देख लिया तो विराट कोहली बनना है, स्पीच देख लिया तो मोदी बनना है, इसरो ने लॉन्च कर दिया चंद्रयान 3 तो आपको साइंटिस्ट बनना है। इट मस्ट बी क्लियर कट कि मुझे यही बनना है, मेरा भी समय आएगा, मैं मेहनत कर रहा हूँ। टफ कंडीशन जब होती गई तो इंसान का ब्रेन डेवलप होता गया, क्रिमिनल कैपेसिटी बढ़ती गई, इंटेलिजेंसी बढ़ती गई। और मुझे अफसोस होता है कि आज वही लोग टफ सिचुएशन से भाग रहे हैं। इस सेशन को तैयार करने में मैंने हर उम्र के व्यक्ति का ध्यान रखा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अब हिंदुस्तान के बाहर, हिंदुस्तान में भी कई बुजुर्ग लोग भी इसे देखते हैं। तो उन सभी का ध्यान रखते हुए इसकी बात कर रहा हूं, लेकिन ये सेशन आपकी हेल्प कर सकता है मैक्सिमम ह्यूमन कैपेबिलिटीज तक जाने में। जैसे एक मैन से आप हनुमान बन सकते हैं, एक मैन से आप सुपरमैन बन सकते हैं, अगर आप इस सेशन का इस्तेमाल करते हैं तो। फिलहाल जहां तक आज हमारा मुद्दा है वो मुद्दा है माइंड और ब्रेन। इसको हम लोग समझने वाले हैं और मैं चाहूंगा कि आप चीजों को नोट डाउन करते हुए प्रोसीड करें, क्योंकि आज बहुत बहुत गहन चिंतन होने वाला है। एक ऐसी बातें आप सीखने वाले हैं, ऐसी समझ आप में विकसित होने वाली है जो शायद आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दे। आज हमारे पास में बहुत पावरफुल कंटेंट है जिसमें हम लोग कंट्रीज का आईक्यू मेजर करने वाले हैं। उसके अलावा बहुत सारी रिसर्च रिसर्च के साथ में मैं आपके सामने कंटेंट को रिप्रेजेंट करने वाला हूं। ये मैं आउटव्यू आपको दे देता हूं। ये सब आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। खैर, ब्रेन और माइंड को समझने की शुरुआत करते हैं। तो होपफुली आप सभी लोग एक्साइटेड होंगे और इस सेशन को रील्स की तरह ट्रीट ना करें। अगर आपको लगता है कि रील्स से आपको सब ज्ञान मिल जाता है तो उस केस में आप ही सेशन छोड़ सकते हैं, क्योंकि मुझे इस सेशन को तैयार करने में 30 दिन का समय लगा है। आप चाहें कि मैं 3 मिनट में आपको समझा दूं, वो संभव नहीं होगा। ब्रेन और माइंड की हम लोग बात करने वाले हैं। थोड़ा सा इसको मैं ठीक कर लेता हूं, इसको मैं ब्रेन और माइंड की जगह माइंड और ब्रेन लिखता हूं तो ज्यादा ठीक रहेगा। माइंड एंड ब्रेन, 90% लोग ऐसे हैं जिनको शायद अभी तक इनके बीच में डिफरेंस भी नहीं पता होगा कि माइंड क्या होता है और ब्रेन क्या होता है। देखिए, ब्रेन जो है वो एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, भौतिकी रूप से वो एग्जिस्ट करता है। आप उसको टच कर सकते हैं, आप उसका वेट निकाल सकते हैं, आप उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ये हर चीज मेजर की जा सकती है ब्रेन वाले केस में। ठीक है ना, इट हैज द फिजिकल एग्जिस्टेंस, मतलब आप उसको टच कर सकते हैं, हाँ, वजन निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। कुल मिलाकर बोला जाए तो ये हमारी बॉडी का हार्डवेयर है, हार्डवेयर हार्डवेयर। कई लोगों का ये मिसकंसेप्शन होता है कि हम लोग हमारे दिमाग का 5% इस्तेमाल करते हैं या 10% इस्तेमाल करते हैं, बट सच ये नहीं है। सच ये है कि हम हमारे ब्रेन का 100% यूज करते हैं। माइंड का हम 5% यूज करते हैं, और वही मैं समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं। तो अगर आप इस गलतफहमी में हैं कि आपका दिमाग यानी ब्रेन वो 5% यूज होता है तो ऐसा नहीं है, 100% इज यूज्ड। पुराने समय में कुछ मैगजीन्स ने छाप दिया था, कुछ उन मैगजीन्स को पढ़ के कुछ एक साइंटिफिक इन्फ्लुएंसर ने उस वक्त मीडिया में इसी बात कह दी और उसके बाद में ये भ्रांतियां फैल गई कि हम लोग हमारे ब्रेन का 5% यूज करते हैं, 10% यूज करते हैं। ये सब मिसकंसेप्शन है, सच्चाई नहीं है। ठीक है ना, ये 5-10% वाली बातें जो है कि 5% 10%, ये प्योर मिसकंसेप्शन है, भ्रामक जानकारी है, आप इन सब तथ्यों से दूर रहें। माइंड के साथ में ऐसा नहीं है। माइंड जो है ना वो हमारे पास में फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, इट हैज सॉफ्टवेयर। माइंड आपके पास में सॉफ्टवेयर है, माइंड सॉफ्टवेयर, मैंने बोला ब्रेन हार्डवेयर है, माइंड सॉफ्टवेयर है। और इस सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी बात यह है कि इसका अपग्रेडेशन पॉसिबल है, मतलब इसको बेहतर कर सकते हैं।
अपग्रेडेशन इज पॉसिबल माइंड इज सॉफ्टवेयर। और माइंड हमारा स्मरण है, हमारा चिंतन है, हमारी एकाग्रता है, हमारी समझ है, हमारी जीवटता है, हमारी शक्ति है, हमारा आत्मविश्वास है। माइंड हमारा ध्यान है, हमारी एकाग्रता है। तो हमें यह समझना पड़ेगा दैट माइंड जो है इज अ सॉफ्टवेयर, माइंड इज अबाउट साइकोलॉजी, माइंड इज अबाउट साइकोलॉजी। जब आप माइंड की बात करते हैं तो आप साइकोलॉजी की बात करते हैं। माइंड इज साइकोलॉजिकल टर्म, ब्रेन इज न्यूरोलॉजिकल टर्म, तंत्रिका विज्ञान की बात है। ब्रेन इज न्यूरोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल यानी कि तंत्रिका विज्ञान की जब बात करते हैं तो हम ब्रेन की बात करते हैं। और ये बहुत बड़ा सच है कि हम लोग हमारे माइंड का 5% इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत बड़ा सच है, मैं इसी इस्तेमाल के बारे में बात कर रहा था। ये बहुत बड़ा सच है कि हम लोग हमारे दिमाग का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, और कुछ तकनीक ऐसी होती है जिसके माध्यम से आप इसका इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं। तो मैं फिर आपको बता दे रहा हूं कि आपका आपकी मेमोरी यानी आपकी स्मरण शक्ति, आपकी चिंतन की क्षमता, आपकी एकाग्रता, आपका ध्यान यानी आपका फोकस, आपका कॉन्सेंट्रेशन, आपकी मेमोरी, ये सब माइंड है। देखो ये आपको जेनेटिक्स में मिलता है, ये आपको जीन में मिलता है, ब्रेन आपको जीन में मिला हुआ है। माइंड कल्टिवेट होता है। अगर आप खुद के ब्रेन को ठीक करना चाहते हैं तो, क्योंकि मैंने बोला कि इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, तो उसके ठीक करने के रास्ते भी फिजिकली है। ठीक है ना, ये मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, बेसिक इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ आपको आगे की चीजें समझने के लिए, ताकि आप अपनी जिंदगी में चाहे जिस प्रोफेशन में जाएं, चाहे जिस फील्ड में जाएं, माँ बाप बनेंगे, समाज के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, देश के योग्य युवा बनेंगे, देश के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, तो आप दुनिया को समझा पाएं कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि आप 30 सेकंड में सब चीजें जान सकते हैं तो संभव नहीं होगा। आगे देखिए एक बार, अगर आपको ब्रेन को इंप्रूव करना है, ब्रेन इंप्रूवमेंट, तो ब्रेन इंप्रूवमेंट जो है वो फिजिकल चीजों की रिक्वायरमेंट रखता है। फिजिकल इनपुट बाय द फिजिकल थिंग्स, फिजिकल थिंग्स बोले तो अपन कुछ डाइट में चेंज कर देंगे, है ना, कुछ वर्कआउट करेंगे तो उससे चीजें चेंज हो जाएगी। बट इसको अगर बेटर करना है तो आपको इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग की जरूरत है। इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग इज नीडेड। और मैं फिर कह रहा हूं, इन चीजों को नोट डाउन करिएगा, समझिएगा, पुनः विचार करिएगा, अपने स्तर पर और इंप्रूव करने की कोशिश करिएगा। मेरा काम आपका रास्ता दिखाने का है, उस रास्ते पर चलने की जिम्मेदारी, जज्बा, समर्पण और त्याग और बलिदान की भावना आप में होनी चाहिए। चीजों को समझिए, माइंड और ब्रेन। जब तक हम समझेंगे नहीं, हम डायरेक्ट इस्तेमाल की बात करते हैं, जब तक आप समझेंगे नहीं कि चीजें काम कैसे करती है, तो आप कभी इनका बेहतर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। AK-47 को डायरेक्ट ट्रिगर दबाना अगर आप सीख लिया तो आपको AK-47 चलाना नहीं आती। उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी डिजाइन कैसी है, खराब होने पर क्या करते हैं, बेस्ट यूज कैसे कर सकते हैं उसको, और कई चीजें होती है। खैर, तो होपफुली ये बेसिक जो डिफरेंस है ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ब्रेन को एक्टिवेट करना है तो फिजिकल थिंग्स से होगा, इट कैन बी डाइट, इट कैन बी वर्कआउट। लेकिन अगर आपको माइंड को इंप्रूव करना है तो इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग की जरूरत होती है। उस इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग की बात मैं करूंगा, ब्रेन इंप्रूवमेंट की बात करूंगा। मैं आज के टॉपिक्स आपको बता देता हूं, ये आज के हमारे टॉपिक्स हैं, कॉन्शियस वर्सेस सबकॉन्शियस माइंड, IQ, IQ, EQ, SQ, AQ, CQ, MQ, विजडम, इंटेलिजेंस, क्लेवरनेस, आइंस्टाइन ब्रेन वर्सेस नॉर्मल ब्रेन, IQ कैन बी इंक्रीज, फूड चॉइसेस, स्ट्रेस, एंग्जायटी, डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ। तो मुद्दा काफी बड़ा है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं, माइंड की बात हम लोग कर रहे हैं, और माइंड में सबसे पहले हम समझ रहे हैं कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन, चेतन मन। दूसरा हमारे पास में है सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप अगर जिंदगी में कुछ वो करना चाहते हैं जो आपसे आज तक नहीं हुआ है, तभी ये सेशन आपके लिए है। अगर आपकी जिंदगी में मोबाइल फोन का इस्तेमाल, सिर्फ कच्चा बादाम का डांस देखना है तो आपको वीडियो नहीं देखना चाहिए। कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड हमारे पास में, और वन बाय वन हम इनको समझेंगे। उसके बाद हम लोग ब्रेन की बात करेंगे, ब्रेन डेवलपमेंट की बात करेंगे, फंक्शनलिटी की बात करेंगे, ब्रेन क्वोशेंट की बात करेंगे। ये मुद्दे हमारे पास में डिस्कस करने के लिए, चेतन मन और अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं। कॉन्शियस माइंड हमेशा आपको बताता है
कि दुनिया भाग रही है, द वर्ल्ड इज रनिंग, वर्ल्ड रनिंग, दुनिया भाग रही है, और ये हमेशा आपको कहती है कुछ कर, तो ये आपको ह्यूमन डूइंग बनाता है, ह्यूमन डूइंग। अच्छा एक बात बताता हूं, जब हम भगवत प्राप्ति की बात करते हैं तो हम ऐसी बात करते हैं कि ईश्वर हमारे साथ में, ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का चमत्कार है, ईश्वर का योगदान है, नया आविष्कार है, नोबेल प्राइज है, कुछ ऐसी बात जो आज तक नहीं हुई, जिसको हम ईश्वर को श्रेय देते हैं। अच्छी बात है, उस श्रेय हमने ईश्वर को दिया, बट वो सबकॉन्शियस माइंड का कमाल होता है, दैट इज द वर्क ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। तो ये कहता है कि भागो, दुनिया लाइफ इज रेस, कम ऑन डू इट डू इट। ये कहता है नहीं 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 नहीं, लाइफ इज रेस, सब मेरे हाथ में। ये कहता है कि नहीं, कोई 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 नहीं भाग रहा है, इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग। ये कहता है कि दुनिया क्या है, भाड़ में जाने दो, तुम क्या हो, तुम क्या, हु यू आर। तो ये ह्यूमन डूइंग नहीं, ह्यूमन बीइंग की बात करता है, तुम खुद क्या हो, बीइंग दैट फाइंड योर टैलेंट, आप खुद क्या है। तो हम को ये समझना है कि जब कॉन्शियस माइंड सिर्फ हमारे ब्रेन का 5% है, सब कॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का 95% है, तो कैसे हम इसको एक्टिवेट करें जिससे हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सके। इस चीज को रट लो, दैट कॉन्शियस माइंड आपको मजदूर बनाएगा, या आपको मजदूर बनाएगा, लेबरर, मजदूर, जिस भी फील्ड में आप काम करोगे मजदूर बनाएगा। देखो दुनिया में हर फील्ड में क्या होता है ना, कोई सी फील्ड हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर है, डॉक्टर हर टाइप का होता है, टीचर भी हर टाइप का होता है। एक टीचर ऐसा होगा जो किसी एक अपने घर के मोहल्ले में पढ़ा रहा है, एक टीचर ऐसा होगा जो थोड़ा सा हायर लेवल पर पढ़ाता है, उसको आसपास के लोग जानते हैं, एक टीचर ऐसा होगा जिसको जिले में सब लोग जानते हैं, उसका कुछ लेवल है, एक टीचर ऐसा होगा जिसको नेशनल लेवल पर सब जानते हैं क्या कुछ है, एक टीचर ऐसा होगा जिसको इंटरनेशनल लेवल पर लोग जानते हैं कि इसमें कुछ स्किल है, ये कुछ जानता है। जो भी दुनिया में एक्सीलेंट है, जो भी ऐसा है कि यार ये तो ईश्वरी कृपा है, इसको उनका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो रखा है दोस्त। और मैं इसी की बात आज करने वाला हूं, जो भी एक्सट्रीम है, जो भी ऐसा है, बादशाह है अपने फील्ड का, किंग, द डॉन ऑफ हिज फील्ड, द किंग, मतलब ऐसा है कि यार उसके ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि उसके काम में समर्पण है, काम में पूरा कॉन्सेंट्रेशन है। मैं उसी की बात आज करने वाला हूं, दैट ये आपको अपने फील्ड का मजदूर बनाएगा। क्या कि मुझे खर्चा निकालना है और किस्तें भरनी है, ये मेंटेलिटी आपको देता है कॉन्शियस माइंड, किस्तें भरनी है बस। लेकिन ये आपको अपने फील्ड का बादशाह बनाता है, द किंग ऑफ योर फील्ड, ये सबकॉन्शियस माइंड बादशाह बनाएगा कि आपके जैसा कोई नहीं, आप ग्रेटेस्ट हैं, आप लेजेंड हैं। और ये हर फील्ड में है दुनिया में, जैसे मान लो कोई इंसान क्रिकेट खेलता है, तो एक वो है जो अपने घर के बाहर की गली में क्रिकेट खेल रहा है, घर के बाहर की गली में क्रिकेट खेल रहा है, और दूसरा वो है जो अपने आसपास के गांव तहसील में खेलता है, एक वो है जो जिले में क्रिकेट खेलता है, एक वो है जो स्टेट लेवल पे क्रिकेट खेलता है, एक वो है जो नेशनल लेवल पे क्रिकेट खेलता है, एक वो है जो इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेलता है। ये डिफरेंस है, इनमें कुछ ना कुछ एक्टिवेशन का डिफरेंस है, ये थॉट प्रोसेस का डिफरेंस है, स्किल का डिफरेंस है, थॉट प्रोसेस का डिफरेंस है। एक ने मान रखा है कि मुझे आगे बढ़ना है, वो क्या डिफरेंस है वो मैं आपको समझा रहा हूं। तो अब हमें समझना है कि क्या है ये सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड। ये कहता है देखो कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत सारी किताबें लिखी गई, लेकिन शायद कोई किताब को समझा पाई, और मैं वही चीजें बहुत सिंपल फॉर्मेट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कॉन्शियस माइंड कहता है कि सक्सेस अर्जेंसी, सक्सेस अर्जेंसी, जल्दी सक्सीड होना है, जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ करो। जैसे बोलेगा कि भाई भैंस दूध देती है, दूध से अपन दही जमाते हैं, दही को बिलोते हैं, घी निकालते हैं, क्यों ना भैंस से सीधा घी निकाल ले, अमीर बन जाएंगे, भैंस सीधा घी दे रही है। ऐसे आपको फुलिश आइडियाज देगा ना, जो दुनिया में काम ही नहीं कर रहे हैं। ये काम कॉन्शियस माइंड का है, अर्जेंसी, जल्दी करो, फुलिश आइडियाज देगा, बिल्कुल बेकार आइडियाज, उनका काम ही नहीं करते, भैंस से घी निकाल लो सीधा, है ना, नॉन एग्जीक्यूटिव आइडियाज। जैसे एक टाइम ऐसा था, क्षमा करिएगा मुझे, बट मैं वो यूज कर रहा हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी अगेंस्ट में नहीं, राजीव गांधी ने कहा था कि अगर लाल मिर्च बहुत महंगी बिकती है, लाल मिर्च अगर बहुत महंगी बिकती है, तो किसान हरी मिर्च क्यों बोते, सीधे लाल ही उगा ले। अब उन्हें कौन समझाया कि पहले जब उगाते हैं तब हरी होती है, समय के साथ साथ लाल होती है। तो ऐसी बातें ये आपको परोसता है, भैंस से सीधा घी निकाल लो, इसका ये गोल है कि जल्दी पैसा कैसे बनाया जाए। और ये लोग मजदूर बन के मर जाते हैं, आपको पता है ना, इस दुनिया में सबसे जल्दी पैसा मजदूर को मिलता है। कोई भी इंसान मजदूरी करता है उसको हर शाम को पैसा मिल जाएगा, हाँ, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में सोचते हैं, मान लो कोई साइंटिस्ट लोग हैं जो बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, 50-60 साल काम करने के बाद दे देता नोबेल प्राइज जो दुनिया को बदल देता है, ये अर्जेंसी की बात करता है। लेकिन हमारे पास में जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये कोई थॉट नहीं देगा, कोई थॉट नहीं देगा, इसकी खासियत है, कोई थॉट नहीं देगा आपको,
कोई आइडिया नहीं देगा, कोई आइडिया नहीं देगा, नो आइडिया, कोई प्लान आपको नहीं देगा, कुछ नहीं देगा, लेकिन जो आप सोचेंगे उसको सच कर दिखाएगा और फिर आप कहेंगे कि आपको भगवत प्राप्ति हो गई है, आपको ईश्वर मिल गया है, लेकिन सच में वो खेल आपके सबकॉन्शियस माइंड ने किया था। अब मैं आपको चीजें समझाने वाला हूं, है ना, ये कोई थॉट नहीं देता है, कोई आइडिया नहीं देता है, कोई प्लान नहीं देता है, जो सोचा ये सिर्फ सोच को सच में बदलता है, सोच को सच में, दैट इज योर सबकॉन्शियस माइंड, सोच को सच में, व्हाट एवर यू थिंक इट विल मेक इट ट्रू। इसको फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या सोचा, लेकिन जो भी सोचा वो घटिया से घटिया हो सकता है, कि आपने सोचा कि मुझे टीबी हो जाएगी उसको भी सच बदल देगा, हाँ, और आपने सोचा कि मैं दुनिया में सबसे पावरफुल बन गया उसको भी सच कर देगा। तो हमें ये समझना है दैट कॉन्शियस माइंड इज स्टूपिड, ये आपसे कहेगा देख तू बेवकूफ है, तू रेस हार रहा है, यू आर लूजिंग रेस, यू आर लूजिंग रेस, यू आर लूजर, यू आर लूजर, तू खत्म है, तू हारा हुआ है, तेरी कोई औकात नहीं है। लेकिन ये कहता है कि नहीं 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 नहीं, यू आर गॉड, यू आर गॉडली, तुम भगवान का अंश हो, तुम ईश्वर हो, तुम अमेजिंग हो, तुम बेस्ट हो, ये इसकी मेंटेलिटी है सबकॉन्शियस माइंड। तो हम लोग जो लोग कॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में है ना, वो ज्यादातर वो लोग होंगे जो डिप्रेशन में चले जाएंगे, स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में, फ्रस्ट्रेशन में चले जाएंगे और अपने आप को खत्म कर लेंगे, बिकॉज दे डोंट नो कि सबकॉन्शियस माइंड का यूज कैसे करना है। 5% है कॉन्शियस माइंड, लेकिन 99% लोग इसी दिमाग के साथ में जीते हैं और इसी के साथ में मर जाते हैं। ये 95% है, लेकिन दुनिया में मात्र 1% लोग इस्तेमाल कर पाते हैं, 1%, और मैं आपको वही सिखा रहा हूं। मेरी कोशिश यह है कि हिंदुस्तान को ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी बनाया जाए, मेरी कोशिश यह है कि हिंदुस्तान में परिवर्तन लाया जाए। मुझे पता है कि यही सब चीजें करने के लोग लाखों रुपए लेते हैं। आई एम डूइंग ऑल दिस फ्री क्योंकि मुझे दुनिया में बदलाव लाना है, हिंदुस्तान को बदलना है। चीजों को ध्यान से समझिए। ये कहता है कि यू आर लूजिंग रेस, तेरी कोई औकात नहीं है, कह रहा है कि तू महान है, तू गॉडली है, तू ईश्वर है, तू सब कुछ है। जब हम लोग कॉन्शियस माइंड की बात करते हैं तो ये वर्कर माइंडसेट आपको देता है, हाँ, कि दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वर्कर माइंडसेट, कि मुझे जिंदगी में अपना खर्चा निकालना है, जिंदा रहना है, गोवा की एक ट्रिप करनी है और मर जाना है, ये नहीं करेंगे। ये लोग बिग मिशंस होते हैं, बिग मिशंस जिनका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेटेड है, बिग मिशंस, दे विन द नोबेल प्राइज। ये क्रांति, जितनी भी दुनिया में क्रांति होती है कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस माइंड से उसकी शुरुआत होती है। दुनिया में जब परिवर्तन की बात आती है तो दैट इज बिकॉज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। और आज जो सेशन देख रहे हैं उनमें से जितने भी लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करना आज सीख जाएंगे और मैं आपको सिखाने वाला हूँ, उनका क्रांतिकारी बनना तय है, उनका महान बनना तय है, उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा होना तय है जो उनके खानदान में किसी के साथ में नहीं हुआ, ये तय है। अगर मैं कॉन्शियस माइंड की बात करता हूं तो ये सिर्फ एक ही चीज कहेगा, डूइंग डूइंग डूइंग, करो 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 करो, जबकि ये कहता है कि भाई तू इंसान, यू आर मैन एंड यू कैन बिकम ए सुपरमैन, यू कैन बिकम हनुमान, यू कैन बिकम शक्तिमान इफ यू एक्टिवेट मी। राम जी की सहायता करने के लिए जब कोई नहीं था तो हनुमान जी लंका गए, दैट वॉज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जो पहले डीएक्टिवेटेड थी वो एक्टिवेटेड हो गई, दैट वॉज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड ये आपको जो होते ना अपनी औकात में रहे, ये वो लोग होते हैं जो दूसरों को भी कहते हैं अपनी औकात में रहे और खुद भी अपनी औकात में रह जाते हैं। और सिर्फ 1% लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को पहचान पाएंगे, जिसको आप भक्ति कहते हो, प्रार्थना कहते हो, अरदास कहते हो, नमाज कहते हो, जो कुछ भी कहते हो, वो मैं आपको कनेक्ट करके बता रहा हूँ कि भक्ति और साइकोलॉजी कैसे कनेक्टेड है, कैसे आपको कुछ ऐसे रास्ते बताए गए हैं जिसके थ्रू आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर लेते हैं। कॉन्शियस माइंड क्या करेगा, कुछ थॉट्स को क्रिएट करेगा कि यार चलो भाइयों गोवा चलते हैं, है ना, क्रिएट द थॉट्स, क्रिएट थॉट्स कि भाई गोवा चलते हैं, गोवा गोवा चलते हैं, और थॉट क्रिएट करेगा, कैंसिल करेगा, नहीं नहीं गोवा की ट्रिप नहीं होगी, नहीं 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 पापा ने मना कर दिया, नहीं नहीं हमारी औकात नहीं, नहीं नहीं कैंसिल कैंसिल गोवा कौन सा। सबकॉन्शियस माइंड ऐसा नहीं करेगा, ये कलेक्टिव इंटेलिजेंस का यूज करेगा और कलेक्टिव इंटेलिजेंस का यूज करते हुए उस प्लान को पॉसिबल बनाएगा कि भाई कैसे गोवा के बारे में सोचा तो कैसे प्लानिंग की जाए, बट यू मस्ट नो हाउ टू एक्टिवेट दिस। और मैं ऐसे घटिया तरीके आपको नहीं बताऊंगा एक्टिवेशन के, आई विल टेल यू द ट्रुथ। तो हमें ये समझना है दैट
कलेक्टिव इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है सबकॉन्शियस माइंड और उसको पॉसिबल बनाता है। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि जिन लोगों ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट किया है वही लोग अपनी जिंदगी में आविष्कार करते हैं, चमत्कार करते हैं और कुछ ऐसा करते हैं जो आज तक नहीं हुआ है। एक और इंटरेस्टिंग बात, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड तब चलता है जब आप अवेक है, आप जग रहे हैं, व्हेन यू आर नॉट स्लीपिंग अवेक। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड कब काम करता है, हाउ टू एक्टिवेट द सबकॉन्शियस माइंड, क्या आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, क्या आप ईश्वर से सीधा कनेक्ट करना चाहते हैं, क्या आप वो गॉडली पावर से सीधा जुड़ना चाहते हैं जिससे आपकी जिंदगी में वो सब चीजें होने लग जाए जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी, तो आई एम गोना टेल यू, नोइंग योर सबकॉन्शियस माइंड इज नोइंग योर पोटेंशियल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस बात को समझ लीजिएगा आप लोग, दैट इफ यू नो योर सबकॉन्शियस माइंड यू नो योर ट्रू पोटेंशियल, कि तुम्हारी औकात क्या है, वरना दुनिया तुम्हारी औकात डिसाइड करती रहेगी दोस्त। दिस इज ट्रू पोटेंशियल, दुनिया बोलेगी नहीं तेरी औकात चपरासी बनने की है, बट वंस यू नो द ट्रू पोटेंशियल यू एक्टिवेट योर सबकॉन्शियस माइंड एंड यू बिकम समथिंग लेजेंड। तो मैं सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने वाली चीजें आपको बता रहा हूं, दैट हाउ यू कैन एक्टिवेट योर सबकॉन्शियस माइंड। एक्टिवेशन ऑफ सबकॉन्शियस माइंड SCM, इसको हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, ध्यान से समझिए, नोट डाउन करिए। मैं कई बार अगर मैं सिर्फ चीजें चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये वो कंटेंट है जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कैसे करें, सबसे पहली जरूरत है अपने चेतन मन को शांत करना है, अपने चेतन मन को शांत करना है। एक ही माइंड काम कर सकता है, या तो कॉन्शियस या सबकॉन्शियस। अगर आप खुद के कॉन्शियस माइंड को, क्योंकि कॉन्शियस माइंड हमेशा आपके दिमाग में कुछ ना कुछ अंदाजा विचार फेंकता रहेगा, अगर आप खुद के कॉन्शियस माइंड को शांत नहीं कर सकते तो आप कभी भी खुद के सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। और यही काम मेडिटेशन करता है। कई बार हम बातें करते हैं ना कि यार मेडिटेशन से ये हो गया, मेडिटेशन से वो हो गया, व्हेन यू आर डूइंग मेडिटेशन, इसके बारे में पूरा सेशन ले चुका हूँ, दैट एक्टिवेट्स योर सबकॉन्शियस माइंड। और शायद बहुत सारे लोगों ने उस सेशन को देखा है, बीइंग काम इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन वी टॉक अबाउट सबकॉन्शियस माइंड। एक इंपॉर्टेंट पहलू है, नाम जप करना, नाम जप करना। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पाते, आपको लगता है कि नहीं ये चीजें हमसे नहीं हो सकती, तो आप नाम जप करके, हमारे प्रेमानंद महाराज आए दिन आते हैं और कहते हैं कि राधा नाम जपो। जरूरी नहीं कि आप राधा नाम जपो, आप अपने पेरेंट्स का नाम भी जप सकते हैं। मैं सच कह रहा हूं, आपके पेरेंट्स के नाम में, आपके पिता के नाम में उतनी ताकत है जितनी कि राम में थी, और आपके माता के नाम में उतनी ताकत है जितनी कि राधा में थी। आप एक बार करिए और पूरी शांति से, जैसे मेरी माता जी का नाम हेमलता है, तो मैं कहता हूँ हेमलता, मैं मात्रा पर भी ध्यान दे रहा हूँ और हर चीज पे फोकस करते हुए नाम ले रहा हूँ। इससे मेरा कॉन्शियस माइंड सिर्फ एक चीज में कॉन्सेंट्रेट हो रहा है और बाकी सब थॉट्स गायब हो रहे हैं। आप अगर ये चीज कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं, इससे ये चेतन मन को शांत करने का एक तरीका है। एक तरीका है, आप जिंदगी में कहां पहुंचना चाहते हैं। हार्वर्ड में एक सर्वे हुआ, यूएस में एक सर्वे हुआ, और वो सर्वे ये कहता है कि जिन लोगों की जिंदगी में क्लियर था कि वो कहां पहुंचना चाहते हैं, मेरा क्लियर है कि मुझे 10 करोड़ लोगों की जिंदगी को टच करना है, उनकी लाइफ में इंपैक्ट लाना है, उनकी जिंदगी को बदलना है, और ये मैंने डिसीजन आज के 5 साल पहले लिया था कि मुझे 10 करोड़ लोगों को टच करना है एटलीस्ट। अगर आपकी जिंदगी में विजन बोर्ड है, मुझे कहां पहुंचना है, आपका विजन क्लियर है कि मुझे न्यूरोसर्जन बनना है, मुझे 10,000 लोगों के हार्ट का ऑपरेशन करना है, मुझे IAS बनना है, मुझे पॉलिटिशियन बनना है, मुझे आर्मी में जाना है, मुझे रोनाल्डो जैसा बनना है, मुझे समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बनना है, मुझे बुजुर्ग होने पर अपने आसपास की जनता को जागरूक करना है, उनको जिंदगी के बारे में समझाना है, मुझे सिर्फ कुछ नहीं करना जो बेसहारा है, जो असहाय है, जो कमजोर है, जो गरीब है, उनकी मदद करनी है। एक मिशन आपका क्लियर होना चाहिए। जब मिशन आपका क्लियर हो जाता है तो सबकॉन्शियस माइंड आपको आइडियाज देने लगता है, और ये हवा में नहीं होना चाहिए, इट मस्ट बी रिटन, लिखा हुआ होना चाहिए। आपको पढ़ना लिखना क्यों सिखाया गया है? पढ़ना लिखना इसीलिए सिखाया गया है ताकि आप खुद के सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर पाए। लिखने से आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है। अगर मैं चीजें लिख रहा हूं तो सब चीजें मेरे दिमाग में भी जा रही है, ये काम हवा में संभव नहीं था। यू मस्ट हैव वेरी क्लियर कट डिफाइंड विजन बोर्ड कि मुझे कहां तक पहुंचना है। और जब वीडियो खत्म होगा तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप बहुत क्लियर कट ये लिखें। एक ने सवाल पूछा कि डे ड्रीमिंग और सबकॉन्शियस माइंड में क्या अंतर है, जो हम ख्याली पुलाव बनाते हैं। देखिए, ख्याली पुलाव बनाइए लेकिन परोसिए मत,
आप परोस देंगे उसको तो लोग आपकी खिल्ली बनाएंगे, फिर आपको डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर आपको वो बार बार उकसाएंगे जिससे आपका वापस कॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिवेट होगा। ख्याली पुलाव बनाओ, परोसो मत। और डे ड्रीमिंग का मतलब ये होता है कि आपको मूवी देख के आए तो आपको शाहरुख खान बनना है, चेन्नई एक्सप्रेस देख लिया तो शाहरुख खान बनना है, हेलीकॉप्टर शो देख लिया तो धोनी बनना है, कवर ड्राइव देख लिया तो विराट कोहली बनना है, स्पीच देख लिया तो मोदी बनना है, इसरो ने लॉन्च कर दिया चंद्रयान 3 तो आपको साइंटिस्ट बनना है। इट मस्ट बी क्लियर कट कि मुझे यही बनना है, मेरा भी समय आएगा, मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरा टारगेटेड फोकस सिंगल पॉइंटेड गोल है कि मुझे यही बनना है। इट मस्ट बी डिफाइंड। और ये नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप जिंदगी के जिस फील्ड में है एक फिक्स करो कि मुझे यही बनना है। मैंने फिक्स किया था कि मुझे 10 करोड़ लोगों को टच करना है। अब वो किसी भी माध्यम से हो सकता है, चाहे मैं किताबें पहुंचाऊं, चाहे मैं अपनी बात पहुंचाऊं, चाहे मैं अपना भाषण पहुंचाऊं, लेकिन मैं उनकी जिंदगी को इंप्रूव करना चाहता हूं, मैं हिंदुस्तान को बेहतर करना चाहता हूं, मैं युवाओं की जिंदगी को ठीक करना चाहता हूं। ये फिक्स है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। योर गोल मस्ट बी क्लियर। आप हर दिन किसी को देख अगर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। और सिर्फ विजन बोर्ड से कुछ नहीं होगा। कई बार ऐसा बोल दिया जाता है कि आपको जिंदगी में ये चाहिए, इसको लिखो, इसको सोचो, सुबह शाम इसकी बात करो। सिर्फ इससे कुछ नहीं होगा, आपको हर दिन ये लिखना पड़ेगा। मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूं और फिर ये सबकॉन्शियस माइंड तक बात पहुंच गई है, दैट फॉलो DWAR, DWAR। इवन मैंने इसके ऊपर पूरी एक डायरी लिखी है, DWAR डायरी। मेरा थीम था, मेरा आइडिया था कि कैसे आपकी जिंदगी चेंज हो सकती है। हर दिन ये लिखो कि मेरा मिशन था, इसके लिए मैंने आज क्या किया, व्हाट आई डिड। आप उसका रूटीन भी मेंशन कर सकते हैं, व्हाट आई विल, मैं कल क्या करूंगा। क्योंकि जिस इंसान को ये नहीं पता कि वो कल क्या करेगा तो उसके सुबह उठने से या मर जाने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता ही नहीं है कि आप सुबह उठकर क्या करेंगे तो आपके नींद में मौत की संभावनाएं भी बढ़ जाती है, ये साइकोलॉजिकल रिसर्च है। A4, आपने क्या अचीव किया आज पूरे दिन में, क्या ऐसा किया। जैसे आज अभी आप सेशन देख रहे हैं तो आपने अचीवमेंट में लिख दिया कि मैंने आज AB के सर का ब्रेन और माइंड के ऊपर सेशन देखा, बिकॉज अचीवमेंट है, वो नॉलेज है जो आपकी जिंदगी भर काम आए। रील्स आप एक बार देखते हैं फिर भूल जाते हैं, नई रील आ जाती है, नया जोक आ जाता है, नया मीम आ जाता है, बट ये नॉलेज वो है जो सस्टेन करेगी, क्योंकि आपने इसमें टाइम इन्वेस्ट किया है, वेस्ट नहीं किया है, स्क्रॉल नहीं किया है, तो टाइम इन्वेस्ट किया। तो आपने अचीव क्या किया और आपने रिग्रेट क्या है कि आपने ऐसा किया जो आपको नहीं करना चाहिए था। जब आप द्वार को फॉलो करते हैं तो दुनिया में कोई सा भी द्वार ऐसा नहीं है जो आपके लिए बंद हो। दुनिया का सारे द्वार, सारी पॉसिबिलिटी, सारी अपॉर्चुनिटी आपके लिए ओपन हो जाती है और आप जहां पहुंचना चाहें वहां पहुंच सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि आज कोई सक्सेसफुल है, कल कोई दूसरा सक्सेसफुल है और उसको देख के तुम उसकी कॉपी करने लगे, तुम कहीं नहीं पहुंच पाओगे। कौन कितने घंटे सोता है ये उसकी जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है दोस्त। निकोला टेस्ला कितने घंटे सोया, आइंस्टाइन कितने घंटे सोया, ये सब सेकेंडरी बातें हैं, ठीक है। और हमें ये समझ लेना है कि ये सब सेंसलेस चीज है। इसके ऊपर मैंने पूरी एक बुक बनाई है और आज उसको हिंदुस्तान के कई हजार स्टूडेंट्स फॉलो भी करते हैं, ठीक। खैर, एक तरीका और है जिससे आप खुद के सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर सकते हैं, वो है मेडिटेशन। बिकॉज ये आपको थॉटलेस बनाता है। जैसे आप थॉटलेस होते हैं, आप शांत होते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। आप अपनी जिंदगी में आप महसूस करते हैं कि आपकी लाइफ में चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं। मैं हमेशा कहता रहा हूं महेंद्र सिंह धोनी की क्रिकेटिंग स्किल्स विराट कोहली से बहुत कम है, बट फिर भी धोनी के पास में चैंपियनशिप ट्रॉफी है, T20 ट्रॉफी है, 50 ओवर्स वर्ल्ड कप ट्रॉफी है। क्यों? क्योंकि इंसान शांत है। और जैसे ही आप शांत हो जाते हैं तो आप जिंदगी में एक्सट्रीम तक पहुंच जाते हैं। शांत होना ही सबसे पहली शर्त है। देखो, एक बात याद रखें, अगर मान लो कोई एक मूर्ति बेचने वाला है जो मूर्ति बेच रहा है, ठीक है। अब मूर्ति में अगर भगवान होता तो उसको बेचता ही नहीं, क्योंकि जब मूर्ति से ही उसको भगवान मिल जाता 150 रुपए में, 200 रुपए में वो मूर्ति बेच रहा है, उसको पता है कि अगर इसमें भगवान होता तो वो भूखे नहीं मरता। मूर्ति में भगवान नहीं है, मूर्ति में आस्था है, भगवान की आस्था है कि इसमें ईश्वर है, इसमें मेरा ईश्वर है। और आस्था किसी को भगवान बना सकती है, किसी को भी। और यही धर्म की एक खासियत है, विशेष तौर से सनातन धर्म की, कि वो हर किसी को भगवान मानता है। तो बहुत बड़ी साइंस है इसके पीछे। आस्था किसी को भी भगवान बना देता है। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि एक धर्म सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि दुनिया में कोई सा इंसान अगर ये कह रहा है ये धर्म श्रेष्ठ है तो उससे बड़ा बिल्कुल कोई नहीं हो सकता। खैर, जब आस्था होती है तो आस्था से कि यार ये हमारे ईश्वर है, उससे शांति आती है। और शांति से ही आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, और शांति से ही आपको लगता है कि आप भगवान के अंश हो। सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिवेट हो गया, अब आप सीधा गॉड कनेक्शन सेट हो गया। गॉड कनेक्शन, आप जिस भी धर्म को मानते हो उसके साथ आपका सीधा कनेक्शन सेट हो जाता है। और इसलिए आप देखेंगे कि उन घरों में ज्यादा प्रॉस्पेरिटी रहती है, उन घरों में ज्यादा बेहतर चीजें होती है जहां पर शांति होती है। लेकिन जहां पर लोग बाग लड़ते रहते हैं, हमेशा भिड़ते रहते हैं,
आपस में गाली गलौज करते हैं, चाहे वो कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना हो, कितने अमीर क्यों ना हो, एक दिन उनका गरीब होना निश्चित है, एक दिन का बर्बाद होना निश्चित है, दरिद्र होना निश्चित है। तो हमें ये समझ लेना है हमारी जिंदगी में कि ईश्वर गॉड कभी भी किसी चादर से, किसी अगरबत्ती से, किसी प्रार्थना से, किसी फूल से, किसी पूजा से खुश नहीं होता। जब तक आप आरती पूजा प्रार्थना अरदास करते वक्त शांत नहीं है, ईश्वर के लिए समर्पित नहीं है, आपका दिमाग ठंडा नहीं है, तब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट नहीं होगा। जब तक सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट नहीं होगा तो मिरेकल नहीं होंगे, चमत्कार नहीं होंगे। चमत्कार का रास्ता सबकॉन्शियस माइंड से होकर गुजरता है। जैसे आपका गॉड कनेक्शन सेट हो जाएगा, यू बिकम द मैन ऑफ मिरेकल। सिर्फ चमत्कार होगा, सिर्फ चमत्कार, सिर्फ चमत्कार। लेकिन पहली शर्त है अपने आप को शांत किया जाए, बिल्कुल शांत किया जाए। हमें यह समझ लेना है कि जिंदगी में अगर आप शांत हो गए तो आप अपने आप बहुत लोगों से एक साथ आगे निकल जाते हैं। जैसे ही आप खुद को शांत कर लेते हैं, सिर्फ उसकी इसमें, सिर्फ उसकी इसमें। और मैं फिर कह रहा हूं, लिखो। अगर तुमसे कुछ नहीं किया जा रहा है, आज मैं देखता हूं कि हर युवा सुबह से शाम तक, या युवा की बात छोड़ो, उनके पेरेंट्स भी एक ही काम कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी सुबह से शाम तक स्क्रॉल कर रहे हैं ये चीज वो चीज। वो हर रील नया थॉट देके जा रही है, वो हर सीन नया थॉट क्रिएट कर रहा है, वो हर फोटो नया सीन क्रिएट कर रही है। इंस्टाग्राम पे आदि हो चुके हैं, इसकी फोटो, उसकी फोटो, ये सीन, वो सीन, ये बीच, वो बीच, ये खाना, वो खाना। दिस इज डैमेजिंग और सबकॉन्शियस माइंड, जस्ट एक्टिवेटिंग और कॉन्शियस माइंड। तो मोबाइल फोन का कम इस्तेमाल करना, या एटलीस्ट, क्योंकि मैं हमेशा कहता रहूंगी, जिस भी इंसान को उड़ना है, जिसको उड़ना है, उसको अपने फोन को फ्लाइट मोड पर डालना पड़ेगा। चाहे वो 2 घंटे डाले, चाहे 1 घंटा डाले, चाहे आधा घंटा डाले, और उसमें वो सब करे जिससे वो अपनी गोल के, अपनी जिंदगी के करीब पहुंचता हो। फ्लाइट मोड, जिसको उड़ना है उसको करना पड़ेगा। मोबाइल का कम इस्तेमाल से आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है। रट लो इस चीज को, आज शपथ लेके जाओ, आज शपथ लेके जाओ, ऐसे नहीं जाना है मुझे मोबाइल का इस्तेमाल कम करना है, क्योंकि मोबाइल आपके कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करता है। और आप में जो ईश्वर है, जो आप में भगवान का अंश है, जिससे आपके जीवन में चमत्कार हो सकते हैं, उसको खत्म करता है मोबाइल को, क्योंकि वो आपको हाइपर एक्टिवेट करता है। हाइपर एक्टिवेटेड इंसान कभी भी चमत्कार नहीं कर सकता, कभी नोबेल प्राइज नहीं जीत सकता, मिशन नहीं ला सकता, क्रांति नहीं कर सकता। लेस मोबाइल फोन यूज, लेस मोबाइल फोन यूज। एटलीस्ट 1 घंटा स्विच ऑफ कर दो, उस वक्त नाम जप करो, लिखो कुछ। नाम जप नहीं होता तो लिखो, और सिर्फ अपने पिताजी का नाम जप करो, माता जी का नाम जप करो, कुछ कॉन्टेंट लिखो, अपना सपना लिखो, अपने कल की प्लानिंग लिखो, कुछ नहीं, अपनी सांस पर ध्यान दे लो, मेडिटेशन करो, तुम ईश्वर बन जाओगे। तुम्हारी जिंदगी में वो चमत्कार होने लगेंगे जिसकी तुम्हें कभी उम्मीद नहीं थी। तुम्हें सपने में भी नहीं सोचा था यार ऐसा कैसे हो सकता है। और कुछ नहीं होगा ना, तुम्हारी हेल्थ ठीक हो जाएगी, क्योंकि इस दुनिया में ज्यादातर समस्या की जड़ है हरी, वरी और करी। हरी जल्दबाजी, क्योंकि शांत नहीं है, वरी चिंता, क्योंकि शांत नहीं है, करी खाने में कुछ भी अटरम शटरम खा ले, क्योंकि शांत नहीं, कॉन्शियसनेस सही नहीं, खत्म हो चुकी है। शांत जिस दिन हो जाएंगे, जिंदगी की आधी समस्याएं मिट जाएंगी। तो हमें सबसे पहले ये बात समझ लेनी है कि सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने का रास्ता ये है। क्या मैं आगे चल सकता हूं अगर आपकी आज्ञा हो तो? अब हम थोड़ा सा ब्रेन की बात कर लेते हैं। ब्रेन, ब्रेन डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट। और फिर मैं कुछ क्वेश्चंस की बात करूंगा, कुछ क्वेश्चंस जहां से सेशन इंटरेस्टिंग होना शुरू होगा, और कुछ फंक्शनलिटी इंप्रूवमेंट की, ब्रेन की फंक्शनलिटी कैसे इंप्रूव हो सकती है, उसकी बातें हम लोग करेंगे। ब्रेन डेवलपमेंट, देखो मैं फिर एक और बात कह देता हूं आप लोगों को, दैट एक चीज रट लेना कि हमारे दिमाग में डेली बेसिस पर हमारा जो कॉन्शियस ब्रेन है, जिसके बारे में कह रहा था कि वो आपको घटिया आइडियाज देगा, फुलिश आइडियाज देगा, जल्दी पैसा कमाने की स्कीम देगा, करो करो करो, लाइफ इज रेस, भागो दौड़ो, आपके दिमाग में डेली बेसिस पर, लिख लेना इस चीज को, 70,000 थॉट आते हैं, 70,000, और उसमें से 50,000 नेगेटिव होते हैं। लेकिन अगर आप ये काम करते हैं तो आप उन 50,000 थॉट्स को रिड्यूस करते 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 10,000 पे भी ले गए, तो आपकी बहुत सारी ऊर्जा, आपकी बहुत सारी चिंता, आपकी बहुत सारी एंग्जाइटी, बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। आप प्रेजेंट में रहकर फोकस होकर काम कर पाएंगे, उसी वक्त आपकी जिंदगी में चमत्कार होना शुरू हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने का मतलब यह है कि आपकी कॉन्शियस माइंड की जो नेगेटिविटी है उसको एलिमिनेट करना है। जितने भी आपके सवाल आप बीच बीच में पूछते हैं, मैं उनके जवाब लास्ट में दूंगा, आप चाहे कितना भी पूछ लीजिए। मैं फोकस्ड होकर कोई सेशन लेता हूं, मेरी जिंदगी में समर्पण और एकाग्रता एक्सट्रीम पर है। जब मैं आपके सामने आता हूं तो मैं आपके लिए एकाग्रचित हूं, मैं बीच बीच में जवाब नहीं दूंगा, आखिर में सबके जवाब दूंगा, पूरा फोकस से चीजों को सुनिए। कॉन्शियस माइंड आपको डेली बेसिस पर 70,000 थॉट देता है, 70,000, जिसमें से 50,000 नेगेटिव है, 50,000 नेगेटिव,
और वो ऐसे थॉट्स हैं जो आपको खाए जा रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं पच नहीं रहा है, बॉडी बन नहीं रही है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन, सिर्फ स्ट्रेस, सिर्फ फ्यूचर की चिंता, सिर्फ पास्ट का टेंशन कि मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरे घर वालों ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरी औलाद किसी काम की नहीं, मेरी औलाद निकम्मी है, मेरा भविष्य का क्या होगा, बीमारी होगी तो क्या होगा, मेरा इंश्योरेंस कहाँ है, पता नहीं, जमाने भर की चीज, शांत नहीं है। कुछ लोग ऐसे जिनके पास में बहुत कुछ है फिर भी चिंता में है, हमेशा टेंशन में है, शांति उनकी जिंदगी में बची ही नहीं, बिकॉज उनका कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो रहा है और सबकॉन्शियस माइंड खत्म है। लेकिन कुछ लोग ऐसे जिनके पास में कुछ नहीं है वो फिर भी सुपर शांत है और उनके साथ में कुछ नेगेटिव होता भी नहीं है, बिकॉज दे हैव कनेक्टेड विद द गॉड, ईश्वर के साथ में उनका कनेक्शन है। खैर, ब्रेन डेवलपमेंट की कुछ बातें करते हैं। ब्रेन डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्या हुआ, ब्रेन क्या है, उसको समझते हैं हम लोग वन बाई वन और फिर चीजें आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता देता हूँ। ये कुछ ब्रेन्स हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, कैपीबारा एक प्राइमेट चूहा है, उसका ब्रेन है 48 ग्राम के आसपास का होता है। मकाका रीसस एक बंदर है, रीसस मकाका 698 ग्राम का उसका ब्रेन होता है, सॉरी 69 ग्राम का, 69.8 ग्राम का, माफ करिएगा। गोरिल्ला होता है 377 ग्राम का उसका ब्रेन है। ये ह्यूमन ब्रेन है जो तकरीबन 1232 ग्राम का होता है। आजकल के इंसानों का जो ब्रेन है ये एवरेज निकाला गया है दुनिया की। हाँ, अभी लोग फिर वही बात आ गई कि गुरु बताते हैं कि 84,000 विचार आते हैं, 50,000 से या 60,000 से 80,000 के बीच में विचार आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ द ब्रेन। 70,000 में एवरेज ले लिया है ना। और ये नॉन प्राइमेट एलिफेंट है, एलिफेंट जिसका माथा 2848 ग्राम का है, यानी सबसे भारी है, तकरीबन 3 किलो का ब्रेन है इसका, हाथी का सबसे भारी है। लेकिन ब्रेन कितना बड़ा है, कितना मोटा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स मैटर करते हैं। यहाँ पर 16.3 बिलियन न्यूरॉन्स है और यहाँ न्यूरॉन्स काफी कम है, हाथी में आप देख रहे हैं 5.59 बिलियन न्यूरॉन्स है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सिर्फ न्यूरॉन का भी खेल नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर दो इंसान जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हैं उनकी इंटेलिजेंस डिफरेंट कैसे है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी, इंटीग्रेशन ऑफ द न्यूरॉन्स, पाथवेज बनते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन मैंने कुछ बेसिक आइडिया आपको दिया है किस तरीके से चीजें चलती है। खैर, यहां समझिए, ब्रेन डेवलपमेंट। देखिए, ब्रेन डेवलपमेंट में दो मुद्दे बहुत पावरफुल है जो ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ है। एक इंसान की वैरायटी है जिसको हम कहते हैं होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, और एक है फूड। अगर आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ेंगे या आप ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि पहले जब इंसान के पूर्वज चार पैरों पे चलते थे, मतलब उनके हाथ भी नीचे टिके रहते थे और पैर तो ऑब्वियस सी बात है टिके हुए हैं, तो उस वक्त ब्रेन का इतना फास्ट डेवलपमेंट नहीं होता था। लेकिन समय के साथ साथ में ऐसा हुआ, पहले हाथों का यूज चलने में कम हुआ, पहले इंसान झुक के चलता था, फिर धीरे धीरे भाई पहले नीचे चल रहा है, फिर समय के साथ हाथ ऊपर उठ गए, झुक के चलने लगा, फिर धीरे धीरे बिल्कुल सीधा हो गया। इरेक्टस मतलब होता है सीधा खड़े होना, ये सीधा खड़े होने वाला इंसान है होमो इरेक्टस, सीधा खड़ा हुआ। और जब ये सीधा खड़ा हुआ तो जब चार चीजें, दो हाथ दो पैर जो एनर्जी कंज्यूम कर रहे थे चलने में, उससे कम एनर्जी कंज्यूम होने लगी और वो जो एनर्जी बच गई थी उससे ब्रेन डेवलपमेंट होने लगा। आप ये देखेंगे कि इंसान का ब्रेन डेवलपमेंट, क्रैनियल कैपेसिटी डेवलपमेंट, खोपड़ी का डेवलपमेंट होमो इरेक्टस के बाद में बहुत तेजी से हुआ, स्पीडअप बहुत तेजी से होने लगा। क्यों? क्योंकि अब दो पैर ही एनर्जी कंज्यूम कर रहे थे और इंसान तेजी से चल पा रहा था। एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है ब्रेन को डेवलप करने में, एक चीज। दूसरी बात, पैदल चलना उतना ही जरूरी है। आप पैदल चल रहे हैं अगर तो भी आपके लेग की मसल्स आपकी खोपड़ी तक ब्लड पहुंचाती है। खैर, उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। एक फूड है, एक फूड है, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है फूड। इंसान को जब पका हुआ भोजन मिला, कुक्ड फूड, कुक्ड वन, देखो हमारे शरीर में दो ऑर्गन्स ऐसे हैं, एक हमारा पेट और एक हमारा दिमाग, जो सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं। सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने वाले दो ही ऑर्गन, एक हमारा पेट और एक हमारा दिमाग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाते हैं, खा के भूल गए, उनसे आप एक सिंपल सा सवाल पूछो उनका माथा काम नहीं करता, बिल्कुल फ्यूज है, खाते हैं बस। हाँ, जैसे पहलवान लोग होते हैं उनका माथा भी कम काम करता है। जब इंसान को पहली बार पका हुआ भोजन मिला, ऐसा खाना जो आसानी से पच जाता था, जैसे उसने खाया, खाना पच गया, अब ब्लड फ्री हो गया, तो ब्लड फ्री होते ही वो ब्रेन की तरफ जाने लगा और बाकी ब्रेन में डेवलपमेंट शुरू हुआ। क्योंकि ब्लड जो है आपके शरीर का या तो पेट में रहेगा या माथे में रहेगा,
खाना खा लिया तो नींद क्यों आती, इसलिए आती है क्योंकि ब्लड जो है वो ब्रेन से हट गया है। तो ब्रेन डेवलपमेंट में सबसे मेजर रोल है पैदल चलने का, दूसरा हल्का खाना खाने का, और इसको रख लेना। और आज भी वो उतना ही इंपॉर्टेंट है। मान लिया आज सबके पास में ब्रेन सेम है, लेकिन अगर उस ब्रेन को एफिशिएंट बनाना है तो दो चीजें करनी पड़ेगी, पैदल चलना पड़ेगा, खून ऊपर जाएगा, और हल्का खाना खाना पड़ेगा। रट लेना इस चीज को, अगर आप हल्का खाना नहीं खाएंगे तो आपका ब्रेन एफिशिएंटली काम नहीं कर सकता है, इसको रट लो। एक और चीज देखो, ब्रेन जो है ना, थोड़ा सा साइंटिफिक हो रहा हूं मैं हल्का सा, और इससे आपको मजा आएगा चीजों को समझने। ब्रेन हम देख नहीं सकते क्योंकि पुराने जमाने के इंसान थे वो तो मर चुके हैं, उनके ब्रेन भी खत्म हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं। उनकी खोपड़ियां मिली है, क्रेनियम, इसको बोलते हैं क्रेनियम, खोपड़ी, क्रेनियम। और खोपड़ी जो होती है ना, इसकी कैपेसिटी होती है, ये खोपड़ियां मिली है, इसकी कैपेसिटी को सीसी में मेजर करते हैं, क्रेनियल कैपेसिटी को वॉल्यूम में मेजर करते हैं, उसको भी सीसी बोलते हैं। सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 ml। जैसे मान लो ये बोला हमने किसी की खोपड़ी 1200 सीसी की है, मतलब कितने ml की है, 1200 ml। मतलब ऐसा दिमाग जिसका वॉल्यूम 1200 ml के आसपास है वो इस खोपड़ी में समा सकता है। शांति से समझिएगा चीजों को एक बार, ये एक बहुत मेजर चीज है जो आपको समझना जरूरी है। ये एक आप ग्राफ देखिए, ये यहां पर ब्रेन गैस वॉल्यूम दिया हुआ है, मतलब खोपड़ी के वॉल्यूम की बात करें, खोपड़ी का वॉल्यूम है। जितना खोपड़ी का वॉल्यूम होगा उतना ही तेज होगा इंसान, लिख लेना। मोटे माथे का, जिसका माथा बड़ा होता है ना, कहते हैं ना सर बड़ा सरदार का, पैर बड़ा गवार का। अगर आपका खोपड़ी का वॉल्यूम ज्यादा है तो उसमें बड़ा ब्रेन आएगा, और बड़ा ब्रेन आएगा वो फास्ट काम करेगा, बिल्कुल वैसा ही जैसे सुपर कंप्यूटर्स बहुत बड़े होते हैं, कैलकुलेटर छोटा सा होता है। सुपर कंप्यूटर बहुत बड़ा होता है, उसकी प्रोसेसिंग पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन कैलकुलेटर के पास में प्रोसेसिंग पावर नहीं है। ठीक है, हुआ क्या, एक जना पूछ रहा है सर आप भी तो पहलवान है, देखो भाई मैं खाना फूड मतलब ये रहा मेरा खाना, ये डाइल्यूट फॉर्म में मेरा खाना रहता है 99% टाइम आई ये डाइल्यूट फूड, और मेरा मानना है कि भाई डाइल्यूट फूड माई ब्रेन वर्क्स बेटर, और ये मैंने फील भी किया है। अगर 4 रोटी बाजरे की खा ली दिमाग काम नहीं करेगा, अच्छा तुमने याद दिला दिया, यहां समझो खोपड़ी का वॉल्यूम ब्रेन ज्यादा बड़ा फास्ट काम करेगा। 3 मिलियन साल पहले, यानी तकरीबन 30 लाख साल पहले की बात है, ये ब्रेन की कैपेसिटी थी तकरीबन 500 सीसी के आसपास। समय के साथ साथ कैपेसिटी बढ़ने लगी, क्यों बढ़ रही है, क्योंकि क्या हो रहे हैं यहां पर, ये क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं। आप देख रहे हो क्लाइमेट चेंजेस का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है, कैसे जा रहा है यूं, और जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज का मतलब टफ कंडीशंस हो रही है। टफ कंडीशन जब होती गई तो इंसान का ब्रेन डेवलप होता गया, क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ती गई, इंटेलिजेंसी बढ़ती गई। और मुझे अफसोस होता है कि आज वही लोग टफ सिचुएशन से भाग रहे हैं। अरे भाई, हमारे को तेज दिमाग मिलने में टफ सिचुएशंस का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है, और टफ सिचुएशंस की वजह से हम इंटेलिजेंट बने। इवन ये तक देखा गया, रट लेना इस चीज को, जिसके माँ बाप ने ज्यादा संघर्ष किया होता है उनकी औलाद ज्यादा इंटेलिजेंट होती है, क्योंकि डीएनए के पास में, ब्रेन के पास में मैसेज जाता है कि भाई हालात सही नहीं है, इनके माँ बाप संघर्ष कर रहे थे, औलाद भी संघर्ष करेगी, औलाद को ब्रिलियंट बनाओ। तो ऐसी जो औलाद है जो अय्यास करते हुए माँ बाप से पैदा हुई है, जिनको ना कुछ जिंदगी में कुछ करना ही नहीं पड़ा, चांदी की समझ लेके पैदा हुए, उनकी औलाद भी कोई खास उखाड़ नहीं पाती इस दुनिया में। तो ये जब क्रेनियल कैपेसिटी क्यों बढ़ रही है, ये क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं, संघर्ष बढ़ रहा है, खोपड़ी का वॉल्यूम बढ़ा, ब्रेन बढ़ा हुआ, और ऐसा ब्रेन था जो फास्ट काम करने लगा, तेजी से काम करने लगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे से पहले कुछ ऐसे ह्यूमंस थे जिनका ब्रेन बहुत बड़ा था, उनका नाम था क्रोमैग्नन। वो हमारे से पहले हुआ करते थे, जिनका ब्रेन 1600 सीसी का था, मतलब 1.6 लीटर, यानी कि 1600 ml, इतना बड़ा ब्रेन था उनका, मतलब खोपड़ी का साइज, जितनी खोपड़ी का साइज होगा उतना अंदर माल होगा, माल था अंदर में बहुत ज्यादा था वो। लेकिन दिक्कत होगी जब ये बहुत हमसे पहले थे, ये इवोल्यूशन की शर्त क्या है, लगातार बढ़ते चलो, तो बहुत तेज हो गए। तो अरे अल्बर्ट आइंस्टाइन वाले बच्चों, यहाँ देखो, ये बीच में तुम मत बोला करो यार, थोड़ा शांति से देखा करो चीजें। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है ना, उसका ब्रेन जो था वो नॉर्मल ब्रेन से छोटा था, है ना,
ये रिसर्च का पॉइंट बता रहा हूँ, उसको डिस्कस करेंगे भी, द मिथ अबाउट द अल्बर्ट आइंस्टीन ब्रेन। इनिशियली इट वाज अज्यूम्ड दैट अल्बर्ट आइंस्टीन ब्रेन वाज बिगर इन साइज, ठीक है ना, इट इज नेचुरल टू अज्यूम, ये मतलब मानना स्वाभाविक है क्योंकि उसमें तेज दिमाग था। लेकिन सच्चाई ये है, सच्चाई ये है कि आइंस्टाइन का ब्रेन जो था वो नॉर्मल इंसान से छोटा था, स्मॉलर देन द नॉर्मल ब्रेन। अब वो दिमागी रूप से क्यों तेज था, इसको अपन डिस्कस करेंगे बेटा। पहले वन बाय वन चीजों को समझते चलो, चीजों को समझोगे तो तुम्हारी जिंदगी में क्लैरिटी आएगी। 1600 cc क्रोमैग्नन का हो गया भाई, दिमाग बढ़ता रहा भाई। प्रकृति को ऐसा लगा कि जिनके दिमाग तेज है वो जिंदा रह पा रहे, जिंदा रह पा रहे, जिंदा रह पा रहे, और बढ़ते 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 खोपड़ी बहुत बढ़ा दी। क्रोमैग्नन पहुंच गया 1600 cc पे, अब दिक्कत हो गई, अब होने लगा पोस्टपार्टल हेमरेज, पोस्टपार्टल हेमरेज, हेमरेज। आपको पता है जब किसी बच्चे की डिलीवरी होती है तो डिलीवरी में पहले खोपड़ी बाहर आती है। डिलीवरी जब बच्चा होता है, जब बच्चा पैदा होता है, तो सबसे पहले जो उनकी माताजी होती हैं, उनकी उनके गर्भाशय से, उनके यूट्रस से, उनकी विजाइना से सबसे पहले खोपड़ी बाहर आती है। और जब खोपड़ी बाहर आ रही थी, इतनी बड़ी खोपड़ी थी, तो उस केस में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी और ऐसी मदर्स की डेथ हो जा रही थी जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा बड़े ब्रेन वाले थे, क्योंकि उस वक्त हॉस्पिटल्स नहीं थे, बचाने की सुविधा ही नहीं थी। तो बच्चा पैदा तो हो गया लेकिन उसकी माँ मर गई, माँ मर गई तो बच्चे का ध्यान कौन रखेगा, उसको दूध कौन पिलाएगा, तो सर्वाइव कैसे करेगा। तो माँ मर गई तो कुछ टाइम बाद में बच्चा भी मर गया। फिर ऐसे कई लोग पैदा हुए, माँ मरी बच्चा मर गया। लेकिन उन्हीं क्रोमैग्नन्स में से कुछ लोग ऐसे थे, कुछ बच्चे ऐसे थे जिनकी खोपड़ी थोड़ी छोटी थी, तो माँ से ब्लीडिंग कम हुई, जब ब्लीडिंग कम हुई तो माँ जिंदा रही, माँ जिंदा रही तो उसको दूध मिला, जब दूध मिला तो बच्चा जिंदा रहा, और वो एक नई स्पीसीज बन गए जिसको हम लोग होमो सेपियंस सेपियंस कहते हैं। अपन लोग हैं होमो सेपियंस सेपियंस, हमसे भी ज्यादा बुद्धिमान लोग मर चुके हैं। इसलिए कहते हैं जिंदगी में बैलेंस जरूरी है, अति हर चीज की बुरी है, अति हर चीज की बुरी है, अति हर चीज की बुरी है। मतलब खोपड़ी बहुत बड़ी हो गई, ब्रेन बहुत बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी मर गए, ठीक है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन इनके खिलाफ हो गया, प्रकृति इनके खिलाफ हो गई और ये मर गए। आप समझ पा रहे हैं? और आज हम सभी लोग यहां पर जो सेशन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इनको पढ़ रहे हैं, हम होमो सेपियंस सेपियंस हैं। क्या हम क्रोमैग्नन से ज्यादा इंटेलिजेंट है? नहीं, लेकिन हम क्रोमैग्नन से ज्यादा फिट हैं सर्वाइव करने के लिए। और यही बात डार्विन ने कही थी, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ना इंटेलिजेंट सर्वाइव करता है, ना महान बुद्धिमान सर्वाइव करता है, ना भोंदू इंसान सर्वाइव करता है, ना बहुत लंबा सर्वाइव करता है, ना बहुत छोटा सर्वाइव करता है, ना बहुत मोटा सर्वाइव करता है, ना बहुत पतला सर्वाइव करता है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। इसीलिए दुनिया में सर्वाइव वही करेगा जो फिट, होमो सेपियंस सेपियंस। और आज अगर हमारी बात की जाए तो हमारी क्रेनियल कैपेसिटी 1250 से 1450 तक खींच के आप मान सकते हो कि हमारी जो खोपड़ी है वो 1.25 लीटर से 1.45 लीटर के आसपास की, मतलब अगर हमारी खोपड़ी से ब्रेन को बाहर निकाल दें, उसमें पानी भरें, तो इतना ही पानी हम भर पाएंगे, दैट इज 1.25 लीटर टू 1.45 लीटर। खैर, एक आइंस्टाइन, मैं आज आईक्यू की बात भी करने वाला हूँ, मैं बहुत जल्दी आपको एक ऐसा मैप दिखाने वाला हूँ जो आईक्यू मैप है, उसकी चर्चा भी हम लोग करने वाले हैं। इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है, दुनिया में हम क्यों पीछे हैं, या दुनिया में जो आगे हैं वो क्यों हैं, हम कितना आगे निकल पाएंगे, बहुत सारी बातें करने वाले हैं। फिलहाल हम आइंस्टाइन की बात कर लेते हैं। ये रहा आइंस्टाइन, कि क्यों वो इंसान इतना आगे चला गया। यहां देखिए, आइंस्टाइन के ब्रेन में, आइंस्टाइन का ब्रेन एक रिसर्च का मुद्दा था, क्योंकि आइंस्टाइन ने कुछ ऐसा किया था, ही वाज द ग्रेटेस्ट एवर थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट जो शायद ब्रह्मांड को समझ पाए, कम्युनिकेट कर पाए। आइंस्टाइन के ब्रेन में जो एक इंटरेस्टिंग चीज थी वो क्या थी, कि उसका उसका इंफीरियर पैराइटल लॉब, आप ये बात देख पा रहे हैं, दिस इज द इंफीरियर पैराइटल लॉब, ये ब्रेन का वो हिस्सा है जिसको हम कहते हैं इंफीरियर पैराइटल लॉब। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये साइड वाला, ये वाला साइड वाला हिस्सा, इधर वाला साइड वाला, इसको बोलते हैं पैराइटल, है ना, पैराइटल वाला एरिया है वो, पैराइटल में ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ वाला जो हिस्सा है ना, उसको बोलते हैं इंफीरियर पैराइटल लॉब, ठीक है ना, इंफीरियर पैराइटल लॉब। ये बहुत बड़ा था, ये लार्ज था उसका, आइंस्टाइन का, क्यों, क्योंकि उसमें पैराइटल ओपरकुलम, ये जो पार्ट जो है ना, ये वाला, ये मिसिंग था, ये था ही नहीं, तो ये जो इंफीरियर पैराइटल लॉब बहुत बड़ी हो गई, ये इतनी बड़ी थी उसमें इंफीरियर पैराइटल लॉब। और ये वो हिस्सा है जो हमारी दो चीजों को कंट्रोल करता है, एक लैंग्वेज और एक मैथमेटिक्स। और आइंस्टाइन इसी बात का के लिए जीनियस है, आइंस्टाइन इसी बात के लिए जीनियस है। किस बात के लिए जीनियस है? लैंग्वेज मतलब थ्योरेटिकल, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एक टाइप की मैथ्स ही है, तो आइंस्टाइन वाज थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट, थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट। अगर मैं ये कहूं कि रोनाल्डो ब्रिलियंट नहीं है, रोनाल्डो लेजेंड नहीं है, रोनाल्डो ग्रेट नहीं, तो बेवकूफी होगी। अगर मैं ये कहूं कि विराट कोहली बेवकूफ है, उसको कुछ नहीं आता,
वो ब्रिलियंट नहीं है, तो हो सकता है कि विराट कोहली के ब्रेन में कुछ ऐसा पार्ट हो जो उसको बॉल को परफेक्टली जज करने में हेल्प करता है। सचिन तेंदुलकर के साथ भी ऐसा हो सकता है, रोजर फेडरर के साथ भी ऐसा हो सकता है, प्रज्ञानंद के साथ भी ऐसा हो सकता है, शायद वो पोजीशंस को बहुत जल्दी एनालाइज कर पाते हो जो भी चेस में हिंदुस्तान का नाम रोशन किए हैं। अलग अलग चीजें होती है। थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट, ठीक है, तो ये हमको समझ लेना है कि आइंस्टाइन का ब्रेन नॉर्मल ब्रेन से, जो इंसानी नॉर्मल ब्रेन है उससे छोटा है, लेकिन ये पार्ट जो लैंग्वेज को और मैथमेटिक्स को गवर्न करता है, कंट्रोल करता है, इंफीरियर पैराइटल लोब, ये बड़ा है, 15% वाइडर है, 15% वाइडर, और यही उसको ह्यूमन से सुपर ह्यूमन बनाता है। बाकी मेहनत करने की बात है। आगे समझिए एक बार आप चीजों को। क्या आईक्यू, एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आइंस्टाइन का आईक्यू ये, आइंस्टाइन का आईक्यू वो, क्या आईक्यू, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, आप अभी सेशन देख रहे हैं, क्या आईक्यू सक्सेस को मेजर करता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सभी लोग सेशन देख रहे हैं, आप इसका जवाब दीजिए, क्या आईक्यू सक्सेस को मेजर करता है? यस और नो? अगर, क्योंकि दुनिया में बहुत बातें चलती है, उसका आईक्यू कम है, उसका आईक्यू ज्यादा है, क्वेश्चंस कई टाइप के चल रहे हैं आजकल, जिसमें आईक्यू है, ईक्यू है, एसक्यू है, एक्यू है, कई टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनकी भी चर्चा करना बहुत जरूरी है। आईक्यू एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और ये वर्ल्ड का मैप है जो आईक्यू को रिप्रेजेंट करता है। ये हम ब्रेन की बात कर रहे हैं, पंक्चुअलिटी की बात कर रहे हैं, पहले हमने जो बात की थी वो बात हमने की थी माइंडसेट की, माइंड की, जो एक साइकोलॉजी का मुद्दा है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं न्यूरोलॉजी के मुद्दे पर, जहां पर हम माइंड से हटकर अब ब्रेन पर आ चुके हैं, और ब्रेन की फंक्शनलिटी में हम लोग बात कर रहे हैं आईक्यू की। तो दुनिया का वर्ल्ड का आईक्यू रिप्रेजेंट करने का एक वे है, और आप यहां देख सकते हैं जिनका सबसे भयंकर आईक्यू है, क्या उस कंट्री का नाम बता सकते हैं कि कहां पर सबसे इंटेलिजेंट लोग मिलते हैं? तो उस कंट्री का नाम है हांगकांग, नॉर्थ कोरिया, कोरियन कंट्रीज। इंडिया, इंडिया ये आप देख पा रहे हैं, यहां पर शायद आप देख पा रहे हैं चीजों को, रेड वो कंट्रीज हैं, रेड वाली, जिनका आईक्यू 65 से भी कम है। ये अफ्रीकन कंट्रीज बहुत सारी ऐसी, अफ्रीका के पीछे होने का रीजन कहीं ना कहीं शायद ये भी है, यहां पर कम दिमाग के लोग हैं। इंडिया का आईक्यू यहां स्टैंड करता है, एवरेज इंडिया का आईक्यू तकरीबन 81 के आसपास है। सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग इस एरिया में मिलते हैं, यहां पर और यहां पर। ये हांगकांग है, और ये आपके पास में नॉर्थ कोरिया है, यहां पर माफ कीजिएगा साउथ कोरिया है, हांगकांग और साउथ कोरिया। उसके अलावा अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका का आईक्यू 90 के आसपास है, अमेरिकन का आईक्यू तकरीबन 98 के आसपास है, ग्रेटर देन 95, लेकिन उनसे इंटेलिजेंट लोग भी हैं। ऐसे रशिया को भी आप देख सकते हैं, रशिया का आईक्यू भी 95 से ऊपर आपको दिखेगा। अफ्रीका इसमें डूबता हुआ दिख रहा है, और ऐसा स्टडी हुआ है कि अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जो आईक्यू में मिसिंग है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिसेंट स्टडी ये कहती है कि पूरे वर्ल्ड में नेपाल का आईक्यू सबसे कम है। हालांकि चीजें वेरी करती रहती है और चीजें ऊपर नीचे होती रहती है, बट ये कहता है कि भाई ये सब चीजें हैं, ये सब बातें हैं कि आईक्यू, अगर मैं सिर्फ ये बात कह दूं कि आईक्यू सब कुछ है, तो मैं आईक्यू की लिस्ट आपको बता देता हूं। यहां पर ये लिस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, यहां देख रहे हैं हांगकांग है, जापान है, ये साउथ कोरिया है, चाइना लीड ले रहा है, 104 इनका एवरेज आईक्यू निकल के आ रहा है पूरी पॉपुलेशन का, और ये बहुत भारी बात है। ताइवान आप देख रहे हैं, सिंगापुर आप देख रहे हैं, काफी सिग्निफिकेंट आईक्यूज हैं इन कंट्रीज के, लेकिन अगर अमेरिका चाहे तो इनको एक सेकंड में कुचल सकता है। अमेरिका यहां स्टैंड कर रहा है 29वें नंबर पर आईक्यू के मामले में, 97-98 के आसपास अमेरिका का आईक्यू है, और ये दुनिया की सुपर पावर है, ये दुनिया की सुपर पावर है। कहीं ना कहीं आईक्यू से भी बड़ी कोई चीज है। क्या इंडिया सुपर पावर नहीं बन सकता? 200% बन सकता है, बन सकता है, बिकॉज आईक्यू हैज नो कनेक्शन विद द पावर, ये हमको समझ लेना है। यहां पर आप हंगरी देख पा रहे हैं, न्यूजीलैंड, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये सब आप देख पा रहे हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, एक और बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हो सकता है आप इसको एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन यहां देखिएगा और चीजों को गौर से समझिएगा कि जब आईक्यू की बात आई तो यहां जो एक मुद्दा है ये, यहां पर रिलीजियस एक्सेप्टेंस। अफ्रीकन कंट्रीज में रिलीजियस एक्सेप्टेंस सबसे ज्यादा है, मतलब वहां पर लोग धर्म को बहुत ज्यादा मानते हैं, अंधविश्वास में उनकी अथाह श्रद्धा है, उनको पता ही नहीं कि भगवान क्यों है, क्या एप्लीकेशन है, किस तरीके से भगवान के प्रति समर्पित होना है, बस वो अंधभक्त है। जो कंट्रीज आ गए जिसमें बोला हांगकांग, यहां पे 60% पीपल फॉलो नो रिलीजन,
किसी धर्म का पालन नहीं करते। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है कि 60% लोग यहां ऐसे हैं जो किसी धर्म का पालन करते ही नहीं है। गजब बात है, मतलब कुछ तो कनेक्शन है। नेपाल बेचारा यहां पिछड़ा, इंडिया 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 में साइंटिस्ट लोग भी हैं, इंडिया में बेवकूफ भी हैं, इंडिया में समझदार लोग भी हैं, इंडिया में हर टाइप के लोग हैं। रिलीजियस एक्सेप्टेंस आप सर्च कर सकते हैं, रिलीजियस एक्सेप्टेंस यहां पर 99.97% तक कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में दिखेंगे। वो कहेंगे कि ऊपर वाला कर रहा है जो कर रहा है, हमारे हाथ में कुछ नहीं। यूएस वाले लोग ये नहीं मानते हैं, इंडियंस भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं, ईश्वर को भी समझ पा रहे हैं। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को, रिलीजियस एस्पेक्ट को समझना जरूरी है। आंख बंद करके शुतुरमुर्ग वाला बिहेव करना या अपनी गर्दन को रेगिस्तान में घुसा देना, इज नॉट ए गुड आइडिया। खैर आगे चलते हैं आईक्यू ईक्यू और एसक्यू के ऊपर, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, आईक्यू का मतलब क्या है कि ब्रेन स्मार्ट है, ब्रेन स्मार्ट है इंसान जो है ना वो ब्रेन से स्मार्ट है। बेसिकली लैंग्वेज और साइंस ये दोनों आईक्यू के दम पर ही आप सीख सकते हो। ठीक है, लैंग्वेज और साइंस आप आईक्यू के दम पर ही सीख सकते हो। ईक्यू मतलब हार्ट स्मार्ट ऐसे लोग जिनको बिहेव करना आता है, किसको कैसे बनाना है, किससे कैसे बात करनी है, क्या करना है। अच्छा, इसके अलावा देखो आईक्यू इज अबाउट कैपेबिलिटी, इसकी औकात कितनी है, क्षमता कितनी है, क्षमता को रिप्रेजेंट करता है आईक्यू, कैपेबिलिटी क्षमता। लेकिन ईक्यू विल को रिप्रेजेंट करता है, विल पावर, करने की इच्छा कि कुछ काम नहीं हो रहा है तो इसका इसको अपने बना लिया, उसको बना लिया, इसे सेटिंग करी, उससे सेटिंग करी, कुछ कुछ कर बना के अपना काम निकाल। ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड वाले लोग, हाँ इंग्लैंड 22वें नंबर पे आईक्यू में, दिमाग तो कुछ खास नहीं था उनमें, दुनिया पे राज किया, दिमाग कुछ खास नहीं था, दुनिया पे राज किया, कुछ ना कुछ तो किया। शायद वो लोग विल पावर अच्छी रही हो, विल पावर कैपेबिलिटी, विल पावर। सोशल कोशेंट कि आपका ग्रुप बिहेवियर कैसा है, जनता आपकी कितनी बात सुनती है, जनता आपको कितना मानती है, लीडरशिप स्किल, ये पर्पस देता है आपको, पर्पस। एसक्यू जिंदगी में लीडर बनने के लिए, महान बनने के लिए, एक्सट्रीम पर जाने के लिए बहुत जरूरी है एसक्यू, सोशल कोशेंट। एक आता है एक्यू, इसका मतलब है एडवर्सिटी क्वेश्चन। ये जो एडवर्सिटी क्वेश्चन है, आप कितने बॉडी स्मार्ट है उसकी बात करता है। ठीक है, एक कैपेबिलिटी की बात करता है, एक विल की बात करता है। EQ talk about will, SQ talk about purpose, ये adversity का, आपकी body smart, आपकी body कितनी powerful है, body smart, that is EQ, इसको आप PQ भी कह सकते हैं, physical quotient भी कह सकते हैं, बस समझ में आती है। और ये चारों ही पैरामीटर बहुत important है। हम एक बहुत interesting बात आपको बता देता हूँ कि जब से इंटरनेट आया है बहुत सारी इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हो गई है, तो मुझे लगता है कि लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंस नहीं बची। इन्फॉर्मेशन आज सबके पास में है, हर चीज़ सबके पास में है, जो चीज़ कहीं ना कहीं अब डिफरेंस पैदा कर रही है, इम्पैक्ट ला रही है, इन्फ्लुएंस ला रही है, जिससे सबसे बड़ा डिफरेंस पैदा हो रहा है, वो चीज़ है AQ या PQ या एडवर्सिटी क्वेश्चन या फिजिकल क्वेश्चन, कि आप बुरे से बुरे हालात में किस तरीके से काम किए। एक बार यहां समझ लो, एक बार आपको अगर इस पे भरोसा नहीं हो रहा है तो मैं कुछ फेमस लोग IQ आपको कंपेयर करके दिखा देता हूं, एक बार आपको पता लग जाएगा। ये कुछ फेमस लोग, मैं खुद को फेमस में काउंट नहीं कर रहा हूं, आपको मुझे मेरा IQ बताना है, वो आपकी चॉइस है। मैं खुद का IQ 80 के आसपास का मानता हूँ। खैर, इलॉन मस्क है 155, ये जुकरबर्ग है 152, आइंस्टाइन है 160, ये जेफ बेजोस है, ये हमारे हॉकिंग साहब है, ये प्रज्ञानंद है, और नरेंद्र मोदी जी का IQ क्या मानते हैं आप, वो हमारे देश के PM है। वो शायद उतने स्मार्ट तो नहीं होंगे साइंस के एस्पेक्ट में जितने कि स्टीफन हॉकिंग है, जितना आइंस्टाइन है, चेस में उतने एडवांस नहीं होंगे जितने प्रज्ञानंद है, बट SQ उनका है, पर्पस है, सोशल क्वेश्चन है, किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, हर लीडर में होता है। ओबामा भी रहा होगा, लिंकन में रहा होगा, मंडेला में रहा होगा, गांधी में रहा होगा, सब में रहा होगा। ये प्रज्ञानंद है, इनका 180 के आसपास का IQ है। एवरेज लोग भी बहुत सुपर सक्सेसफुल होते हैं, विराट कोहली है, वहाँ सारा खेल AQ का है, एडवर्सिटी क्वेश्चन की, हालात बहुत खराब है, 30 बॉल है 180 रन चाहिए या 30 बॉल 120 रन चाहिए। अब वहाँ पर साइंस जानते हो आप कि बॉल कैसे स्विंग होती, कोई फर्क नहीं पड़ता। लैंग्वेज जानते हो आप कि मुझे पता है पाकिस्तान को गाली कैसे देनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स ऑल अबाउट कि आप एडवर्सिटी क्वेश्चन कितना है। अभी चंद्रयान 3 गया लॉन्च कर दिया अपन, तो उसमें क्या किया, इंडिया ने बहुत कम बजट में चंद्रयान 3 को पहुंचा दिया, तो इंडियंस में AQ बहुत ज्यादा है,
जुगाड़ी जुगाड़ी लोग जो है ना, जुगाड़ी लोग एडवर्सिटी क्वेश्चन ये कुछ नहीं है फिर भी कुछ बना दिया इंडियंस, कुछ नहीं है फिर भी कुछ बना दिया इंडियंस। और मैं आपसे एक बात कहूंगा कि आई क्यू ई क्यू एस क्यू इसके ऊपर काम करो ना करो, ए क्यू पे जरूर काम करना, क्योंकि ए क्यू ही वो है जो सबसे नीचे लाई करता है, जो आपको रियल पावर देता है। एक बार समझा देता हूं यहां चीजों को समझना, ये दिस इज ये आपका फिजिकल बॉडी क्वेश्चन है ये पी क्यू, और इसी के ऊपर ये इमारत टिकी हुई है, तुम इसको लेकर घूमते रहो, अगर ये नहीं होगा तो सब नीचे गिर जाएगा, सब नीचे गिर जाएगा, सब नीचे गिर जाएगा। ये फाउंडेशन है, ये हमारी नींव है, नींव। सबसे पहले फिजिकल फिटनेस पे काम करो। अगर तुम्हें चाहते हो, अगर तुम्हें चाहते हो कि दुनिया में तुम्हारी वैल्यू हो, तुम्हारा नाम हो, लोग तुम्हें कुछ समझें, तो फिजिकल फिटनेस पे काम करो। इंफॉर्मेशन नॉलेज लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स बहुत हैं दुनिया में आजकल, एफिशिएंसी टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कॉन्टेंट मेरे पास और भी बहुत सारा है, लेकिन अब मैं क्या करूं, बहुत सारी किताबें ऐसी है जो ब्रेन के ऊपर लिखी गई है, जिसमें से एक बहुत फेमस किताब है जो जॉन मेडिना ने लिखी है, ब्रेन रूल्स, और कुछ ब्रेन फूड्स पर भी किताबें लिखी गई है, इन सबको मैंने पढ़ा है, परफॉर्मेंस कॉर्टेक्स, काम क्लेरिटी, द लीडिंग ब्रेन, द ब्रेन वॉरियर्स, और इन सब की समरी मैं आपको अब देने वाला हूँ कुछ लाइनों में कि क्या कहती है, कैसे आपके ब्रेन को एक्टिवेट किया जा सकता है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे कुछ समय में। ठीक है, यहां समझ, एक बात यहां देखिए, ब्रेन एक्टिवेशन, क्योंकि सारा मुद्दा यही था कि खुद को इंटेलिजेंट कैसे बनाएं, ब्रेन एक्टिवेशन कैसे करें, शार्प कैसे बने, अपने आसपास के लोगों को एक्टिवेट कैसे करें, हमारी औलाद को कैसे सक्सेसफुल बनाएं, बहुत सारे मुद्दे थे, तो मैं आपको बता दे रहा हूं वन बाय वन। ब्रेन को तेज चलाने का सबसे पहला तरीका है अपने आप को चलाओ। जो इंसान बिस्तर में लेटे लेटे तौंद निकाल के स्विगी जोमेटो से ऑर्डर करके पिज्जा खा रहा है, बर्गर खा रहा है, उसका माथा कभी काम नहीं करेगा। फिजिकली एक्टिव क्यों? क्योंकि जब इंसान बहुत तेजी से ब्रेन डेवलप कर रहा था, इवोल्यूशन उसका दिमाग बहुत तेजी से बढ़ा रहा था, तो 18 किलोमीटर रोज चलता था, 18 किलोमीटर पैदल चलता था, यहां से वहां घूमता था, पैदल चलो सबसे पहली चीज, तुम कुछ नहीं कर सकते, पैदल चलो, सीढ़ियां चढ़ सकते हो, मैं सीढ़ियां चढ़ता हूं, पैदल चलो। पैदल चलना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इससे मसल स्क्वीज होती है, और मसल जब स्क्वीज होती है तो यहां से ब्लड आपकी खोपड़ी में पहुंचता है। ठीक है, पैदल चलो। दूसरी बात, हमारा ब्रेन हमारी बॉडी का सबसे फैटी ऑर्गन है, फैटी ऑर्गन है, सबसे ज्यादा फैट हमारे ब्रेन में ही होता है, फैट बहुत फैटी ऑर्गन है हमारा ब्रेन। फैट अगर आपकी डाइट में है तो आपका ब्रेन बहुत अच्छे से काम करेगा। फैट के क्या सोर्स हैं? तो आप गाय का घी इस्तेमाल कर सकते हैं, घी, बड़े बुजुर्ग लोग इसका इस्तेमाल नहीं करें, अगर वो हार्ट पेशेंट है या कुछ और इश्यू है तो इसका इस्तेमाल ना करें। आप सबसे बेहतर जो माना जाता है, मानते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड ये सबसे बेहतरीन बोलते हैं कि भाई इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। कहाँ कहाँ मिल सकता है आपको? फिश ऑयल में मिल सकता है, मछली के तेल में, मछली का तेल नहीं खाते, अलसी का बीज, फ्लैक्सीड, अलसी बीज, फ्लैक्सीड, ये अपनी डाइट में इंक्लूड करना शुरू करो। मछली का तेल, अलसी का बीज, दोनों से मतलब नहीं, बोले सर घर में ले आते हैं खत्म हो जाता है फिर कोई लाता नहीं है, मछली का तेल तो वेजिटेरियन खा नहीं सकते, घी तो अब हम सर हम तो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, क्योंकि मेरे सेमिनार के बुजुर्ग व्यक्ति भी देखते हैं, जिसका ब्रेन बुढ़ा हो गया उसका शरीर अपने आप बुढ़ा हो जाएगा। ब्रेन जिसका जवान है वो शरीर जवान रहेगा दोस्त, शरीर बुढ़ा नहीं होता, ब्रेन बुढ़ा होता है। जिस दिन आपका ब्रेन बुढ़ा हो गया, जिस दिन आपका विजन बोर्ड नहीं है, आप शांत नहीं है, आपका गोल नहीं है, खोपड़ी को लगेगा कि ये जो है इसका कोई गोल नहीं है, अपन भी क्यों काम कर रहे हैं, फालतू बंद करो, बंद कर सर मामला, बैंटेंट फालतू बजा के बंद कर उसको, जैसे बंद कर देता है तो शरीर में भी सारे ऑर्गन्स में जंग लगने लगती है, फैट जमा हो गया, किसी में अल्सरेशन हो गया, किसी में क्या हो गया, और सब कुछ खराब हो जाता है। तो हमें ये समझना है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और पानी, ब्रेन को पानी बहुत चाहिए। अच्छा, एक चीज ध्यान रखो, चीनी भी बहुत पसंद है लेकिन ब्रेन के लिए अच्छी नहीं है चीनी, चीनी इज नॉट ए गुड फॉर ब्रेन। पानी बहुत पसंद है, ग्लूकोज ब्रेन को लगातार चाहिए, हमारी बॉडी का 2% हिस्सा होता है ब्रेन लेकिन 20% एनर्जी कंज्यूम करता है। पानी, हाइड्रेशन बहुत जरूरी है, दुनिया में 99% हेडेक जो सरदर्द होते हैं वो पानी कमी से होते हैं, हाइड्रेशन इज मस्ट, हाइड्रेशन इज मस्ट। बिना हाइड्रेशन के, बिना ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के आप अपना ब्रेन अच्छे से नहीं चला पाएंगे, अब कुछ काम की बात है। क्वेश्चन सॉल्व करना, पहेली सॉल्व करना, न्यूमेरिकल्स बनाना, बड़े बुजुर्ग का अखबार पढ़ना, कोई किताब पढ़ना, कुछ नया लिखना, ये वो स्किल्स है, पढ़ना और लिखना। इस दुनिया में जो इंसान तीन काम कर रहा है, तीन काम पढ़ रहा है, लिख रहा है, उस पर चिंतन कर रहा है कि मैंने क्या किया, उस इंसान का महान बनना निश्चित है किसी भी उम्र में।
चाहे वो 10 साल का है, चाहे वो 20 साल का है, वो 30 का है, 40 का है, 50 का है, 60 का है, लिखना, लेखन, पहले तो आप पढ़ रहे हो, पढ़ना, लिखना और पढ़े हुए लिखेगा मनन करना, मनन मनन करना उस चीज को आप सोच रहे हो, मेमोराइज करना, चिंतन करना, विचार करना, ये ब्रेन को एक्टिवेट करने के कुछ तरीके। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे युवा लोग बहुत स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, एंग्जाइटी में हैं। आप किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास में जाते हैं तो साइकेट्रिस्ट आप किस चीज पे काम करता है? माइंडसेट के ऊपर, माइंडसेट के ऊपर। न्यूरोलॉजिस्ट आपके ब्रेन के ऊपर काम करता है। ये साइकोलॉजी, ये साइकेट्रिस्ट का एरिया है। दिस इज द एरिया ऑफ साइकेट्रिस्ट, दिस इज द एरिया ऑफ न्यूरोलॉजिस्ट। ये जिस जगह पर जाकर मिल जाते हैं, एक जगह ऐसी है जहां पर ये जाके मिल जाते हैं, तो वो एरिया है SED, स्लीप, एक्सरसाइज और डाइट। बढ़िया सो, ब्रेन बढ़िया काम करेगा, थोड़े समय में ज्यादा काम कर लो, एक्सरसाइज करो, पैदल चलो, पैदल चलो, फिक्स कर लो जिंदगी में खाना खाके पैदल चलना है या 20 मिनट सीढ़ियां चलनी हो। डाइट, अखरोट, अलसी, फ्लैक्सीड, अखरोट, बादाम, अलसी, अखरोट, बादाम, अलसी, थोड़ा घी, अखरोट, बादाम, अलसी, थोड़ा घी। नहीं है अखरोट बादाम घर में, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के कैप्सूल लियाओ, बहुत सस्ते आते हैं। नहीं है सर अखरोट बादाम नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के कैप्सूल लियाओ। बोल सर क्या हो जाएगा इससे? सीरियसनेस आएगी कि मैं अपनी जिंदगी में अपने ब्रेन इंप्रूवमेंट के लिए कुछ मेहनत कर रहा हूं। तो जो इंसान सुबह उठ के ओमेगा 3 फैटी एसिड सप्लीमेंटेशन ले रहा है, वो अपने गोल को याद कर रहा है, ऐसा इंसान अपना समय खराब नहीं करेगा। सुबह उठ के मिराज खा रहे हो, कोई विमल खा रहा है दाने दाने में केसर खाता हूं, ऐसे लोग क्या कर पाएंगे? कुछ मत करो। अगर नहीं हो पा रहा है तो हम सिंपली जाके क्या करेंगे? हम सप्लीमेंटेशन ले आएंगे कि भाई ठीक है, हमको ओमेगा 3 फैटी एसिड कैप्सूल दे दो, एक्सरसाइज मस्ट। पसीना आना चाहिए, पसीना, जिसको पसीना आ रहा है, सारे रोग, सारी गंदगी, सारी टॉक्सिन, सारी नेगेटिविटी, सारा स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जायटी, डिप्रेशन बाहर निकल जाता है। दुनिया में डिप्रेशन में कौन है? जो मुलायम गद्दे पे सो रहा है और एसी चल रहा है, या मान लो मुलायम गद्दे पे नहीं भी सो रहा है, नॉर्मल चारपाई पे बेड पे सो रहा है, लेकिन सपने नहीं है, पसीना निकल नहीं रहा है, मेहनत हो नहीं रही है, स्विगी वाले भैया खाना दे गए, जोमेटो वाले भैया टोमेटो दे गए, जिंदगी चल रही, लप्पू सा सचिन बन गए हो तुम, झिंगुर सा तुम्हारा शरीर है, बोल तुम सकते नहीं हो, पढ़ते तुम हो नहीं, लिखना तुम्हें आता नहीं, मनन तुम करते नहीं हो, कहां पहुंचो? तो हमें यह समझना है। और सो किसी हसीना के चक्कर में अपनी नींद खराब मत करो। मैं फिर कह रहा हूं, आज दुनिया में 99% लोग डिप्रेशन में वो हैं जो किसी एक रिश्ते में थे, किसी एक हसीना के चक्कर में थे, हसीना के चक्कर में पसीना नहीं बहाया, वो पसीना छोड़ के चली गई, अपने आप को इंप्रूव नहीं किया, अपने आप को बेहतर नहीं किया, सारा समय उसमें खपा दिया, सारी जिंदगी उसमें खपा दी, और उसके बाद में क्या हुआ? जिसने वो छोड़ के चली गई, डिप्रेस, अप्रेस, कंप्रेस हो गए, माँ बाप परेशान है, साइकेट्रिस्ट के पास में लेके घूम। तो हमें यह समझ लेना है कि हमें पसीना बहाना है। तुम अगर किसी के भी चक्कर में, किसी के भी चक्कर में दुनिया में अपने आप को इंप्रूवमेंट करना रोक देते हो, अपने आप को बेहतर करना रोक देते हो, तो तुम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन में फिर कह रहा हूं, 20 मिनट सीढ़ियां चढ़ो, 20 मिनट सीढ़ियां चढ़ो। आज तो हालात ऐसे हो गए हैं, मैं कई ऐसे लोगों को देखता हूं जो खुद कार्डियोलॉजिस्ट है, जो खुद कार्डियोलॉजिस्ट है, हार्ट के डॉक्टर है, वो हार्ट के डॉक्टर पेशेंट चेक करते हैं, बाहर क्लिनिक पे लिखा हुआ है सर शनिवार को नहीं देखते। क्यों? बोले सर शनिवार को किसी बड़े हार्ट के डॉक्टर को खुद दिखा दिया। अरे यार तुम्हारे खुद के ऐसे हालात हैं, माँ बाप मोबाइल चलाते हुए बच्चों को ज्ञान दे रहे, फोन में चला रहे, क्या हो? अपने आप को ताकतवर बनाओ, अपने आप को मजबूत बनाओ, और जब तक मजबूत नहीं बनाओगे कुछ नहीं कर पाओगे, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन रहेगा और आप खत्म हो जाओगे। ये हमारे पास में कुछ बातें थी, मैं सेशन को कंप्लीट कर रहा हूं। कुछ हाई आई क्यू पीपल के बारे में बता देता हूं। दुनिया में ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही IQ है, मैगजीन की कॉलम 228 पे है, कुछ और लोग भी हैं जिनको आप देख सकते हैं, गैरी कैस्परोव, रशियन चेस प्लेयर का 94 IQ है, तो ज्यादा IQ का मतलब सक्सेस नहीं है। कुछ इंटरेस्टिंग बातें मेरे पास में आपके लिए थी, और सबसे बड़ी बात, सुबह का खाना बहुत ढंग से खाओ, ये दिमाग को तेज करने का एक सबसे बेहतर तरीका है, सुबह का खाना। अब माँ बाप से क्या सुनते, ये तो खाता ही नहीं है, ये तो पीती नहीं है, ये तो खाती नहीं है, एक बिस्किट खाता है, अरे क्या चूहा है क्या तू? सबसे ज्यादा खाना 11 बजे से पहले खा लो, वो पचेगा, उसका पाचन होगा, अवशोषण होगा। अब तुम उठ 11 बजे रहे हो, गुड मॉर्निंग मम्मा, अरे तुम मम्मा तो ठीक है, शरीर का रायता हो गया तेरे, टाइम से उठो, ढंग का खाना खाओ, अपने आप को ताकतवर बनाओ, अपना AQ ठीक करो। AQ ठीक करोगे तो EQ, IQ और SQ अपने आप ठीक हो जाएगा। शरीर पे काम करो, क्योंकि तुम बड़े बंगले में नहीं शरीर में रहते हो, शरीर खराब हो गया बड़ा बंगला किसी काम का नहीं होगा। अपने ऊपर काम करो, माइंडसेट के ऊपर काम करो, कुछ लिखो, अपने चेतन मन को शांत करो, अपने माँ बाप का नाम लो,